हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का जो अपकमिंग एग्जाम है 2018 का, उसके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के स्लॉट में आपके 2016 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस साल, वो क्वेश्चंस। आज इस सीरीज का ये पहला ही वीडियो है। डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस में भी कोई अलग से आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आपको अगर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाते हैं तो ये भी आप कर लेंगे। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्शंस दी होती हैं जितने भी क्वेश्चंस इस पे होते हैं, और इसमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। दो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन दैट विच स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन एंड गिव आंसर। आपको ये देखना है कि उसमें एक कुछ इंफॉर्मेशन आपको मेन जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें दी है, फिर कुछ स्टेटमेंट फर्स्ट में, कुछ स्टेटमेंट सेकंड में, और आपको सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन में जो गिवन है प्लस स्टेटमेंट फर्स्ट, दोनों को लेके जो पूछा गया है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वहां निकल गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशियंट है अलोन, देन गो फॉर सेकेंड। और जब सेकेंड में आप जाएंगे तो फर्स्ट को भूल जाएंगे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन प्लस सेकेंड को याद रखेंगे और फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे भी अगर सोल्व हो गया तो आपका आंसर हो गया कि फर्स्ट अलोन एंड सेकेंड अलोन, आइदर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड में कोई भी सफिशियंट है। अगर फर्स्ट से भी नहीं हुआ और सेकेंड से हो गया तो सेकेंड अलोन ही सफिशियंट, और अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों से नहीं हुआ तो देन आप क्या करेंगे कि मेन क्वेश्चन प्लस फर्स्ट और सेकेंड तीनों को क्लब कर लेंगे फिर सोल्व करेंगे। अगर तीनों से हो जाता है तो आपका ये हो जाएगा कि फर्स्ट और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ रिक्वायर्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, और अगर दोनों को मिलाने पे भी नहीं हुआ तो उसमें आप दे देंगे कि इवन बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशियंट। तो जैसी पोजिशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बस ये ध्यान रखें, जब जिस स्टेटमेंट पे आप हैं उससे दूसरे स्टेटमेंट को बिल्कुल भूल जाए। चलो सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ गुणा विड्थ। तो लेंथ और विड्थ आपको चाहिए। अब आइए स्टेटमेंट फर्स्ट पे। तो फर्स्ट में तो आपका मेन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये पूछा है कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का। फर्स्ट में दिया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। लेंथ इज किसके इक्वल है, एक रेडियस के है, और उस हुज सर्कमफेरेंस इज 132 सेंटीमीटर, और इस जो सर्किल है इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 132। तो 132 इज इक्वल टू क्या होगी, 2 पाई r। तो यहां से आप देख रहे हैं कि r आप फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ आपकी इसमें फाइंड होगी। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना होता है, जस्ट इसे आपने देखा कि भाई 132 है इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू आर, 22 × 44, 44 × 32 आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस से दोनों इक्वल हैं तो लेंथ इज इक्वल टू आपकी 21 सेंटीमीटर निकल गई। लेंथ अकेले से आपका कुछ भी सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब लेंथ आप ये स्टेटमेंट फर्स्ट अकेला सफिशियंट नहीं है, देन गो फॉर सेकेंड। लेकिन इसमें आप सोल्व नहीं करेंगे, आपको जैसे ही दिखा हाँ रेडियस मुझे फाइंड होगी, वो रेडियस होगी तो उससे लेंथ भी मुझे फाइंड होगी, लेंथ। लेकिन मैं सोल साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको मिसलिनियस प्रॉब्लम्स का भी साथ प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट देखिए, ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 × 5/6% ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट में क्या दिया है कि ब्रिथ ऑफ द बी इज इक्वल टू क्या, ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू क्या है 20/6% ऑफ। तो इसमें आप कुछ भी चक्कर में नहीं पड़े, आप इसको 20% ही एक बार मान लें। तो 20% का मतलब 1/5 किसका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर कितना होता है, 2 × l + b। तो इसमें आपके पास क्या आ गया कि l और b की फॉर्म में एक l और b का आपस में रिलेशन यहां एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन न l है न b है तो आप वैल्यू फाइंड इसे भी नहीं कर सकते। देन फर्स्ट प्लस सेकंड को मिलाइए, फर्स्ट एंड सेकंड को आप मिलाएंगे तो फर्स्ट में आपने देखा l आपके पास है और सेकंड में l और b का रेशियो आपके पास है, तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे बी भी निकल जाएगा, तो एल और बी निकल जाएगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर
रिक्वायर्ड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन ई को इसमें टिक करें और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया है। अब फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन सात माइनस एक्स प्लस बारह बटा सात इज इक्वल टू जीरो। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स की दोनों ही वैल्यू आप इसमें से एक्स की दोनों वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नहीं पता चला क्योंकि एक्स और वाई का आपस में कोई रिलेशन आपको पता नहीं। अब इसको जस्ट अपने, अगर ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ जाए तो अपने सोल्व कर लेते, एग्जाम में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां से एक्स आपको पता चल गया, अगर इसको सोल्व, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आए तो अपने क्या करें, इसको पूरे को सात से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह इज इक्वल टू जीरो। ये पहला निशान माइनस है, दूसरा प्लस है, तो एक्स की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव आ गई, सबसे पहले आपने ये देख लिया। और ये सात जो है इन दोनों का जो गुणनफल, चार इसको जो फैक्टर करोगे वो जुड़ के साथ होंगे, तो बारह के चार तीन बारह और चार तीन मिलकर सात हो गए, एक्स की वैल्यू चार और तीन आ गए। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से समझा रहा हूं, यहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्स की वैल्यू तो चार और तीन आपकी आ गई, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। सेकंड में आप जाएंगे तो इसमें आपको दे दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नो, और इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक बटा दो। अब इसको अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 81। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए तो सोल्व हो गया। अब आप इसमें देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू नो है, अगर मैं यहां रखूं तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, नो गुणा दो 18। तो एक्स वाई की वैल्यू मैं जैसे ही इसमें रखूंगा, 18 दोनों 36, 81 माइनस 36 एक्स प्लस वाई, इसका मतलब सेकंड से ही सोल्व हो गया। तो सेकंड अलोन इज सफिशियंट, सेकंड अलोन इज सफिशियंट पे आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट टाइम द टू ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। आपसे पूछा क्या गया है, दो ट्रेन है, वन फर्स्ट और सेकंड, और जब वो क्रॉसेस रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए टाइम कितना होगा, तो टाइम सेम डायरेक्शन के लिए कितना, जितनी उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस तो दोनों ही केसेज में, भले वो सेम डिस्टेंस डायरेक्शन में जाए या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस हमेशा दोनों का सम होता है, बटा स्पीड जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड में दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, एस वन माइनस एस टू का डिफरेंस। तो ये आपको फाइंड करना है, इसके लिए ये सब चाहिए आपको। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे आइए, स्टेटमेंट फर्स्ट में इसने क्या दिया है, फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 9 सेकेंड। तो पहली जो ट्रेन है वो 9 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है, तो पोल की डिस्टेंस तो होगी जीरो, तो खुद की जो डिस्टेंस है वो कितनी, तो 9 सेकेंड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये एक इक्वेशन आपके पकड़ में आई, L1S1 इज इक्वल टू 9, लेकिन इसमें L1, L2, S1, S2 इसमें तो बहुत चीजें हैं, इससे कुछ भी नहीं निकला, तो फर्स्ट से तो कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा। देन गो फॉर सेकंड, सेकंड में क्या दिया है, फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस द सेकंड रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 45 सेकंड। 45 सेकंड में जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट में क्या हुआ, L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। तो स्पीड जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आएंगी तो दोनों की जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2, एक तो ये गिवन है आपको। और दूसरा क्या, रेशियो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू सेकंड ट्रेन इज 2:3, मतलब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड S1 को अगर मैं 2x मानूं तो S2 आ गई आपकी 3x, ये गिवन है। अब S1 प्लस S2 अगर मैं यहां L1 प्लस L2 और S1 माइनस S2 आपको चाहिए, तो यहां से L1 प्लस L2 क्या निकल गया, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 45 गुणा S1 प्लस S2, तो ये 3x प्लस 2x 5x, ठीक है। और S1 माइनस S2 क्या हो गया, S1 माइनस S2 हो गया आपका 3x और 2x का डिफरेंस, 3x माइनस 2x x हो गया। अब आप ये वैल्यू पुट कर दो तो टाइम आ जाएगा आपका, L1 प्लस L2 कितना है 45 गुणा 5x, और S1 माइनस S2 कितना है सिर्फ x, 45 पंजो 225, तो 225 सेकंड में वो
कर देगी, इसे सोल्व होगी। मैंने आपको सोल्व करके इसलिए बताया है कि ये अगर मिसलेनियस प्रॉब्लम इंडिविजुअल भी आए तो आप सोल्व कर पाए। बाकी आपको जैसे ही यहां दिखा कि L1 प्लस L2 की वैल्यू यहां से मुझे S1x की फॉर्म में मिल रही है और S1 माइनस S2 की भी मिल रही है, तुरंत आप कर देंगे कि सेकेंड अलोन इज सफिशेंट। आप किस पे करेंगे टिक? सेकेंड अलोन इज सफिशेंट, सेकेंड अलोन इज सफिशेंट। इसको 225 सेकेंड आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको दिखा कि हाँ ये हो जाएगा सोल्व, देन टिक करता। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपसे पूछा है मार्क प्राइस को, अगर मैं एम कहूं तो एम आपसे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है इसने, आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, स्टिल मेकिंग ए गेन ऑफ रुपीज 16 रुपए का आपको दे दिया कि प्रॉफिट जो है वो 16 रुपए है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये दे दिया 16 रुपए और डिस्काउंट दे दिया 15%। तो अगर सेल प्राइस को मैं क्या ले सकता हूं, 0.85 एम, 15% क्या हुआ, 85% 85/100.85। अब इसमें लेकिन आप देखेंगे कि इसमें S माइनस सी 16 है, S की भी M की ओम में वैल्यू है, लेकिन S और C दोनों ही अपने को ज्ञान नहीं पता नहीं है तो M यहां से नहीं निकल रहा। सेकंड पे चलिए, सेकंड में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस M माइनस S इज इक्वल टू क्या है, 50% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो 50% मोर मतलब डेढ़ गुना है, किसका डेढ़ गुना, S माइनस सी का, S माइनस सी तो आपको है, लेकिन अब आप जब सेकंड में हो तो फर्स्ट की तरफ नहीं देखें। अब आप इससे M S S C M को इसमें कुछ भी आपसे नहीं निकल रहा है, भी आपके सभी वेरिएबल हो गए S C M, M नहीं निकाल सकते आप, तो सेकंड भी सफिशिएंट नहीं। अब आप दोनों को क्लब कीजिए, दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो M माइनस S इज इक्वल टू क्या हो गया, डेढ़ गुना 16 24, तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस 24 हो गया। तो सेल प्राइस 0.85 है, या आप परसेंटेज में अगर चलते हैं तो मार्क प्राइस को अगर मैं 100% मानता हूं तो यहां क्या आ गया, 100% माइनस सेल प्राइस 15% डिस्काउंट, तो 85%, 100 माइनस 85% की वैल्यू आ गई 24, 15% की वैल्यू आ गई 100% मार्क प्राइस है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसे निकल गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड आर रिक्वायर्ड या सफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए, 40 स्टूडेंट सिट इन रो एंड कॉलम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटेड इन द कॉलम, 40 बच्चे हैं और रो और कॉलम में। तो आपको पता है कि जब भी रो और कॉलम में क्या होता है, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। तो आपको आर एंड सी इज इक्वल टू 40 दे दिया, आर गुना सी 40 है, ये तो मेन क्वेश्चन में। अब आए स्टेटमेंट फर्स्ट पे आइए, नंबर ऑफ रो इज 62.5% ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको पता है एक इक्वेशन तो ये आपके पास है, अब इनका आपस में रिलेशन दे दिया, नंबर ऑफ रो, रो इज 62.5% 62.5% मतलब 5/8 या 62/8/100 कर लो, 62/8/100 हालांकि 5/8 ही आएगा अल्टीमेटली इनटू सी। तो आर और सी का आपके पास रिलेशन है और आर और सी का यहां है, दो इक्वेशन बन गई, दो ही वेरिएबल है, तो इससे ये सोल्व हो जाएगा। सेकंड में चली, ऐसे तो सोल्व हो गया, सेकंड में नंबर ऑफ रोज इज, नंबर ऑफ रोज इज 5/8 ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, मतलब वही चीज इसने वापिस दे दी और आपके पास फिर r इंटू सी 40 है, r इज इक्वल टू 5/8 सी है, तो फिर आप इन दोनों को भी मैच करेंगे तो इससे भी ये हो रहा है। तो फर्स्ट आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, अलोन इज सफिशिएंट, कोई सा भी एक होगा उसी से गाड़ी इसकी चल रही है। वैल्यू निकाल रही होता आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब वैल्यू यहां नहीं निकाल रही, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके दूसरे क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन में आता है तो आप R into C अपने पास आ गया, R into C is equal to आ गया आपका 40 और R is equal to 5/8 C, तो 5/8 गुणा C is equal to 40, 5/8 40, 8/8 C हो गया 8 और R हो गया 5। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और ये अपना आज का इस सीरीज का पहला वीडियो है, मैं ये कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको एक वीडियो दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Have a nice day.